पांडे संघर्षी बस्ती का रहने वाला हूं। 68,500 शिक्षक भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी का ही शासनादेश 21 मई 1557/15/11/2018 जिसमें हम लोग परीक्षा पास आउट हुए, हम 30,000 लोगों को बाहर कर दिया गया। लगातार 2.5 सालों से हम लोग लखनऊ के मैदानों में धरना दे रहे हैं। लखनऊ के तमाम जगहों पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, जेल भी गए और आज फिर कोविड को देखते हुए हम लोग बीच में चले गए थे। फिर से हम लोग लगातार आज धरने का हमारा 10वां दिन है, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले मैंने योगी सरकार को चेताया भी था कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी 26,000 सीटें अगर नहीं भरी गई 68,500 में और अन्यत्र कहीं जोड़ी जाएंगी तो ये खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा और हम लोग जल्द ही कुछ बड़ा करने आंदोलन करने वाले हैं लखनऊ की सड़कों पर। लखनऊ से आपको बड़ा आंदोलन करने वाले, ये एक्चुअली 68,500 जो बात कर रहे हो, आप जो मांग कर रहे हो, ये पूरा प्रकरण है क्या? क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि हमने एग्जाम भी दिया था उस समय, कुछ कटआउट वाला जो कटआउट वाली बात है वो कुछ है। 9 जनवरी 2018 का इसका विज्ञापन निर्गत हुआ था 68,500 शिक्षक भर्ती का, जिस पर परीक्षा 12 मार्च को होना सुनिश्चित हुई थी। किन्हीं कारणों की वजह से विधिक कुछ अड़चनें आ गई, इसलिए परीक्षा स्थगित हो गई, 12 मार्च की परीक्षा नहीं हुई। इसके बाद परीक्षा हुई है 27 मई 2018 को। 27 मई 2018 को जो परीक्षा होती उसके पहले एक सप्ताह पहले माननीय योगी जी देख लीजिए कैबिनेट की मीटिंग बुलवाते हैं, कुछ शिक्षा मित्र भाई और अन्य प्रतियोगी अभ्यर्थी जाते हैं, उन कैबिनेट मीटिंग करते हैं, अधिकारियों के निर्देशित करते हैं कि ये जो 68,500 शिक्षक भर्ती है बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती के लिए, ये ऐसी पहली परीक्षा थी जो कि लिखित परीक्षा थी। पहले टेट तक होता था, उसके बाद लिखित परीक्षा हुई। ये लिखित परीक्षा में भी बात थी, ये लिखित परीक्षा केवल एक शब्द में उत्तर देना होता था। जैसे आपको ये पता प्रश्न पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। जिसको पता था लखनऊ तो लिखेगा लखनऊ, जिसको नहीं पता है वो छोड़ देता। इवन आप कह सकते हैं ओवरऑल कि ये आईएएस पीसीएस से भी बहुत कठिन परीक्षा होती थी, इसलिए 21 मई 2018 को इसमें संशोधित शासनादेश निर्गत किया गया। इसको बेस मानते हुए हम लोगों ने परीक्षा दिया 27 मई को। 27 मई को हम परीक्षा दे देते हैं, हमारा जो आंसर की आई थी उसमें हमने मिलान किया, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि हमारा जो है क्वालिफाइंग मार्क्स अच्छा है, अभ्यर्थी भी कम थे, हमारा चयन हो जाएगा। फिर 13 अगस्त 2018 को रिजल्ट आता है, वो बदले हुए मानकों पर आता है जिसमें हम अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। 13 अगस्त 2018 से हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगाए कि अपने शासनादेश का संरक्षण करिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने शासनादेश का अनुपालन न करके, उसका संरक्षण न करके एक षड्यंत्रकारी अभ्यर्थी का साथ दिया, जिस आधार पर 26,000 सीटें रिक्त हैं और 26,000 अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 33% जो बात की गई थी, 33% वो उसी पर बहाली मांग रहे हैं। हाँ, बस वही बहाल कर दिया जाए, बस हमारी यही मांगे हैं जी। जो अवशेष बचे हुए पद हैं 26,000, जो 40-45 को ना जो है टच करते हुए 30-40 पे हम लोगों को कर दिया जाए जी। जो जियो है, जो शासनादेश है, हम अभ्यर्थियों की केवल यही मांग है, स्पेशल कोई मांग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो विभाग द्वारा 21 मई 2018 शासनादेश निर्गत किया गया है उस पर सरकार पैरवी करे, जिसकी सुनवाई 6 जनवरी को डबल बेंच में है। सरकार ने आज तक अपने शासनादेश को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही इसको पक्ष में कोई काउंटर दाखिल कर किया। इवन आप ये समझिए कि 21 मई 2018 के शासनादेश के अगेंस्ट में ये पैरवी कर रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को ऐसा कृत्य करना बिल्कुल निंदनीय है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 2018-19 में भी विधानसभा घेराव किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का घेराव करने का काम किया। अब 4 तारीख में, आज 3 तारीख है, कल हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा जिसको हम अभी सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहेंगे। ये प्रदर्शन आपको लखनऊ की सड़कों पर दिखेगा, 26,000 लोगों की ताकत दिखेगी, उनकी जमीन पीड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनादेश के आधार पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, हमारी प्रशासन से अपील है और लाइव के साथी से भी अपील है, जितने लोग देख रहे हैं, अगर हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाए, हमारे डेलीगेशन की बात हो जाए, आला अधिकारी हो,
तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है 2 मिनट के अंदर मुझे न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को 68,500 के अभ्यर्थियों के बारे में गलत छाप बना दी गई है कि ये फेल अभ्यर्थी हैं, लेकिन हम लोग फेल नहीं है, 21 मई 2018 के आधार पर पास हैं। जो बाद में मानक निर्धारित किया उसमें केवल कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। मानक ये 1 नंबर से जो रह गया उसका गुणांक चयनित से ज्यादा है तो फेल कैसे हो सकता है, जबकि 21 मई 2018 का शासन आदेश योगी आदित्यनाथ जी का था, माननीय मुख्यमंत्री जी का था, तो ये अन्याय क्यों किया जा रहा। हमारी मांग इतनी है कि 26,000 सीटें जो है उसको 21 मई शासन आदेश के आधार पर भरवाने का काम मुख्यमंत्री जी करें।